व्यवहार न्यायालय में वकीलों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ परिवाद याचिका दायर की है। इस मामले को सीजीएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 25 नवंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की है। इस मामले में अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए सीएम ने जो बयान दिया है उससे महिलाओं और लड़कियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। 505, 509 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट में हमने ये मुकदमा दाखिल किया है माननीय मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में। ये मामला आज दर्ज कर दिया गया। अगली तिथि जो सुनवाई का है वो 25 नवंबर को निर्धारित की गई है। जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था एक जजमेंट में कि अगर विधानसभा के अंदर या किसी भी सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर के होता है, एक दूसरी पार्टी को लेकर के कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उसको लेकर के कोई कंप्लेन दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ वो किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिद्वंदता के कारण नहीं हो रहा है, यहाँ मास पब्लिक जो हमारे समाज के लड़के लड़कियाँ हैं, हमारे समाज के जो रिनाउंड लोग हैं, जो भी लोग हैं प्रदेश के, उन सबों के खिलाफ में